होंगी, यानी पांचों यज्ञ आपने करवानी पड़ेंगी। आप बहुत युगों से यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, दीर्घ रोगी हो गए हो, पुण्य बिल्कुल अक्षीण हो चुके हैं आपके। अब जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में तीनों युगों में प्राणी के पुण्य साथ रहे और वो अपने पुण्यों के आधार से सुखी रहता था और साधनाएं भी शास्त्र अनुकूल करता था, और फिर भी घर में सुख, शरीर में सुख, परिवार सारा ठीक है, तो वो ये सोच लेते थे कि हम जो साधनाएं कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है। जैसे पहले ये दास हनुमान पुजारी था और बाबा श्याम जी का भी पुजारी था, श्री कृष्ण मेरा इष्ट था, विष्णु जी की के ऊपर एक विशेष आसक्ता थी, भगवान शंकर भी पैरल यानी आदरणीय थे, इस तरह हम पूजाएं ढेर सारी कराया करते थे और घर में सुख होता था। जैसे विद्यार्थी को तो पास हो जाए उस समय शुक्र बना कर सारे देवता के गुण गाया करता, बलाओ हनुमान का, बलाओ बाबा श्याम जी का और बलाओ भगवान श्री कृष्ण का, शंकर भगवान का पास करा दिए। फिर संतानों उत्पत्ति की इच्छा होती थी, लड़का हो जा, लड़का हो गया तो बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, इन मन लड़का दे दिया। अब पता चला कि ये तो कुछ देण के को ना, ये तो हमारा जितना प्रारब्ध है उसी को एज इट इज दे सकते हैं, यदि हमारे भाग्य में नहीं होता ये परिवर्तन नहीं कर सकते थे किसी भी प्रकार का। और सब सुख थे, कोई आपत्ति नहीं आई थी, बालक की दया थी, को पिछली बैटरी अच्छी चार्ज हो रही थी और साधनाएं जो करते थे उनसे ये सब सुख हो रहे थे। इन्होंने सोचा थे बाबा श्याम जी ने मौज मचा दी, बजरंगबली ने मौज कर दी। अब पता चला कि इनके सत्र का जो काम में कोई ना, इनके लेवल का नहीं ये सुख, या कोई दुख देना या सुख देना। अब परमात्मा जो प्रसंग यहां से शुरू हुआ था उस पर अब हम आ रहे हैं दोबारा, कि वो परमेश्वर इतना दयालु है हमें यहां आकर के फिर संभालता है, हमें प्रेरित करता है कि मूर्खो तुम फिर मुझे याद कर लो, फिर तुम फिर से ये साधना शुरू कर दो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा, सतलोक ले चलूंगा जहां तुम्हें कोई कष्ट नाम की चीज नहीं। उससे पहले ये काल हमारे साथ ऐसा जुल्म कर देता है कि हमें गलत ज्ञान पर इतना ठोक देता है, इतना आधारित कर देता है कि परमात्मा को पहचानना भी बहुत कठिन हो जाता है। पुण्यात्माओं, जिस समय हम इस काल के साथ यहाँ आ गए और जब हम वहाँ से आए तो हमारे पुण्य हमारे साथ बहुत थे, हम पुण्यों के से लदपद थे, हमारे संस्कारों की कोई गिनती नहीं, इतने पुण्य हमारे साथ थे। तो इसने हमारे को पहले तो ऊपर स्वर्ग लोक में रखा और जिसके भी पुण्य अक्षीण होते गए उसको पृथ्वी पर पटकता गया और फिर यहाँ गधे कुत्ते सुअर बनाता गया। एक साहूकार सेठ की बेटी एक निकम्मे से व्यक्ति के साथ भागेगी और गर्तें गणाए दन लेगी। अब वो तलफंडर था, उस बच्ची के धन से ही अपने सारी मौज करे, दारू पी हुआ बकवाद करे, वो जब अक्षीण हो गया खत्म हो गया और उसने छोड़ के भाग गया, वह अंडा धक्के खानती। फिर तो ऐसे ये ब्लैक मेलर है ये काल, जब हम परमात्मा से विमुख होकर आए, इसके साथ भाग का आए, हम गणाए धन लाए थे और वो धन इसने हमारा लुटवा दिया, फिर हमें गदेर कुत्ते सूर बनाकर यहाँ दुख देना शुरू किया। इसलिए दुख देना शुरू किया कि वो जिसने मुझे वहाँ से निकाला है वो दुख पावेगा, उसकी आत्माओं की अभ्रान मट्टी होगी, वो रोएगा बैठ के वहाँ पर। इस काल ने वह बड़ा जुल्म किया था जिसके कारण परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड समेत वहाँ से 16 शंख को उसकी दूरी पर भेज दिया था। इस प्रतिशोध में ये काल हमें इतना कष्ट दे रहा है, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, इसने कोई दया धर्म नहीं यहाँ पर,
मकान के मकान गिर जाते हैं, 10-10, 20-20 आदमी इकट्ठी बिल्डिंगों में मर जाते हैं। एक बार 26 जनवरी सन 2000 को एक भूकंप आया था गुजरात में, और वो महल 3-3, 4-4 मंजिल की कोठियां, 5-5 मंजिल की कोठियां थी, और वो सारी की सारी एक सेकंड के अंदर सब विनाश को प्राप्त हुई। और उन मकानों को बनाने में जिन्हें 2-2 पीढ़ी लग गई थी, उन्हीं में दबकर मर गए, पूरा परिवार के परिवार नाश हो गए, पूरा क्षेत्र में लाखों लोग मार दिए। तो इसका दया नहीं, क्योंकि हम इसके बालक नहीं हैं, हम कबीर परमात्मा के बच्चे हैं। जब हम सतयुग में तो सुखी रहे, फिर आगे जब हमारे लास्ट से में सतयुग के लास्ट में भी कष्ट आने शुरू हो गए, यहाँ पृथ्वी पर पटक दिए, गद्दे सूर बनाने शुरू कर दिए, तब हम रोने लगे, हे भगवान, हे परमात्मा, हमारी रक्षा करो। अब इसने भगवान भी बुला दिया, हमारे इंजेक्शन लगवा दिए 3, रजगुण सतगुण तमगुण, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से। हम यहीं की वस्तुओं में नशेक में जैसे इन्हीं की इच्छा में हमारी बुद्धि सीमित कर दी। जब हमारी ये बुरा हाल हुआ, और फिर इसके बाद तपतशिला पर भून कर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को, सूक्ष्म शरीर को, ये तपतशिला एक बहुत बड़ी पत्थर की टुकड़ी है, तई जैसी, जैसे तई हुआ अगर रोटी पौन की, इतनी काफी बड़ी है, और उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी जो स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में होते हैं, उनको वहां भून कर खाता है। और वहां का जो कष्ट है वो अवर्णनीय है। वहां ये जीव बुरी तरह चिल्लाते हैं, बहुत बुरी तरह वहां आत्मा से रोते हैं ये। उनकी तपतशिला पर उन प्राणियों को जलते हुए दुख पाते हुए देखकर परमात्मा के दिल में दया आई कि मैं नीचे जाता हूँ और इन नालायकों को बताऊँगा, तुम ये भक्ति कर लो, तुम काल के जाल से छूट जाओगे। जब हम यहाँ आए तो प्रथम सतयुग में परमात्मा वहाँ तपतशिला पर आकर खड़े हो गए, जहाँ 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये भून रहा होता है। इसने एक समय फिक्स कर रखा है, इतने समय में ये सभी प्राणी वहाँ तपतशिला पे उनको जलाकर भून कर उनमें से मल निकाल लेता है और जीव को वहाँ से भेज देता है, और उस गंध को फिर ये खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है, तोबा बोल जाता है। उन प्राणियों को जलते हुए दुख पाते हुए देखकर परमात्मा के दिल में दया आई कि मैं नीचे जाता हूँ और इन नालायकों को बताऊँगा, तुम ये भक्ति कर लो, तुम काल के जाल से छूट जाओगे। जब हम यहाँ आए तो प्रथम सतयुग में परमात्मा वहाँ तपतशिला पर आकर खड़े हो गए, जहाँ 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये भून रहा होता है। इसने एक समय फिक्स कर रखा है, इतने समय में ये सभी प्राणी वहाँ तपतशिला पे उनको जलाकर भून कर उनमें से मल निकाल लेता है और जीव को वहाँ से भेज देता है, और उस गंध को फिर ये खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है, तोबा बोल जाता है। तो वहाँ ये चिल्ला रहे थे सभी प्राणी, उस समय परमात्मा वहां जाकर खड़े हो गए उन तपतशिला पर जल रहे प्राणियों के पास। तो वहां जब परमात्मा वहां खड़े हुए, जाकर कबीर देव जी अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, तो परमात्मा के जाते ही उन प्राणियों की जो तपत, उन गर्मी सी जो आंच थी अग्नि की, वो परेशान कर रही थी, वो शांत होगी, और शांत होते ही ऐसी होगी जैसे बिल्कुल शीतल शरीर हो गया उनका, एकदम सभी बैठ गए और देखा, तब तो तड़फ रहे थे बुरी तरह, फिर सामने देखा कि एक चांद सा मुखड़ा कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सामने खड़े हैं। अब उनको देखकर सभी प्राणियों ने पूछा कि हे प्रभु,
हम यहां कौन से पाप का दंड भोग रहे हैं। अब परमेश्वर ने कहा कि तुम जो तपस्या पर दंड भोग रहे हो ये यहां के पाप का नहीं, ये सतलोक में तुमने पाप किया था। परमात्मा ने वह सृष्टि रचना सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ था और तुमने अपने पैर पर आपको वाड़ा मारा, मुझे छोड़कर तुम इस काल के साथ आगे इसके साथ भाग गए, तुम पति भर्ता पद से गिर गए, आप मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा तुम्हारे लिए तड़फ रही है। कबीर परमेश्वर कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को ये समझ नहीं सकता कोई। मैं तो यहाँ आता हूँ जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक और भी अन्य स्थानों पे। ये स्पष्ट किया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है और अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उसी उद्देश्य से परमात्मा वहां से चलकर आए और कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तुम तो मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुझे रो रहा हूं, तुम मेरे बच्चे हो तो मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, और तुम रो रहे हो हे भगवान हमने सुख दे, हे परमात्मा हमने सुख दियो, ना तो ब्रह्मा जी सुख दे सकते, ना विष्णु जी दे सकते, ना शिव जी दे सकते, ये कोई भी परिवर्तन आपके भाग में नहीं कर सकते, ये तो जैसा कर्म तुम करोगे वैसा ही दे सकते हैं, ना ब्रह्म दे सकता ना परब्रह्म दे सकता, तुम्हारे भाग में परिवर्तन परमात्मा कबीर जी कहते मैं कर सकता हूँ। मासा घटे ना तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। जब ही सतनाम हृदय धरो बहो पाप को नास, और मानो चिनगारी अग्नि की फिर पड़ी पुराने घास, न्यो फूक दूंगा तुम्हारे पापों को जैसे पुराने बहुत घास फूस पड़ा होते लाखों टन, और एक माचिस की सीक जलाकर उसमें ला दे आग, सारे को फूक कर राख बना देगी। लेकिन जब परमात्मा यहाँ आए, हमने उनका विरोध किया कि तू भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो श्री विष्णु जी जिन्होंने चक्र सुदर्शन ले रखा, जिसने कंस मार दिया, रावण मार दिया, शिशुपाल का सिर काट दिया, चाणूर मार दिया, अब मारने वाला भगवान होता है कभी को सोचने या देखो, बुद्धि हमारी बिक्री थी काल के हाथ में, जो मारा वो भगवान कैसे हो सकता है। कबीर परमात्मा के साथ के जुल्म किया था, उनका इतिहास आपको सुनाएंगे, रह रहकर सुनाते भी रहे, लेकिन मालिक ने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी, क्योंकि माँ बाप को यदि बच्चा कोई गलत शराबी शुरूबी अच्छी बुरी कह भी देता है तो उनकी आत्मा उस बच्चे के से दूर नहीं हो सकती, उसको बद्दुआ नहीं दे पाते। तो ऐसे ही हम उस परमात्मा के बच्चे हैं जिसका काल हमारे से विरोध करवाता है। तपत्सिला पर आकर परमात्मा ने कहा कि भाई मैं परमात्मा हूं पूर्ण ब्रह्म, और तुम यहां ब्रह्म के जाल में फंसे हुए, और तुम ब्रह्म को निराकार बताते हो, क्योंकि वहां तपत्सिला पर वो ब्रह्म के पुजारी वेदों के ब्राह्मण भी थे, वेद पढ़नीय, ब्रह्म को फाइनल गॉड मानने वाले, कंप्लीट गॉड मानने वाले भी वहीं बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी भी वहीं थे, अन्य देवताओं के पुजारी भी। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने जो साधनाएं की याद है, अकांत याद है, तो उनसे तुम्हें क्या प्रोटेक्शन मिला, अब यहाँ क्या दुर्गति हो रही तुम्हारी, अग्जी कोई लाभ नहीं हुआ। तो परमात्मा ने बताया कि जो साधना तुम करते हो ये काल सतर की है, इस ब्रह्म सतर की है, और इससे तुम्हारा ना जन्म मृत्यु मिटे, और इसके बाद क्या होगा, तू गधा बनेगा, तू कुत्ता बनेगा। मालिक ने वही बता दिया कि तुम्हारे ऐसे संस्कार है, जो नीचे यहाँ गुरु पद पर थे उनको बता रहे कि तू गधे की योनि में जाएगा।
अब वहां तो सारी समझ में आवे थी कहां बिल्कुल कुछ भी हो सकता, जब यह दुरुक्ति हो रही है हमारी। तब कहा परमात्मा